तो सबसे पहले लिखी थी, लिखिए इन प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिए इन प्रश्नों के उत्तर दो। लिखा, राइट कीजिए बेटा फटाफट, इन प्रश्नों के उत्तर दो। आर्यन पाल, कॉपी में राइट करना है इन प्रश्नों के उत्तर दो। लिखा सभी ने? चलिए प्रश्न नंबर फर्स्ट लिखिए, प्रश्न एक डालकर लिखिए। अभी रेल कहाँ जा रही है? प्रश्न पहला लिखिए आपका, अभी रेल कहाँ जा रही है? अभी रेल कहाँ जा रही है? जिसका कंप्लीट हो जाए वो हैंड रेस करके बताइएगा, जिसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए हैंड रेस करके बताइएगा अभी रेल कहाँ जा रही है? राइट किया सभी ने? अभी रेल कहाँ जा रही है? प्रश्न टू लिखिए आप, प्रश्न नंबर दो लिखिए। गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी कैसे चलेगी? जिसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए जल्दी से हैंड रेस करेंगे। आराध्या गहलोत ने कंप्लीट किया, सेजल भगत, गौरी ने कंप्लीट किया, शुभम, शुभ मकवाने, ईशा ने भी कंप्लीट किया, अक्षत ने, वेरी गुड, शानी गुड, आयुष, दिव्या, फटाफट कंप्लीट कीजिए बेटा। गाड़ी कैसे चलेगी? लिखा सभी ने? थर्ड क्वेश्चन लिखिए, बया ने बया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? कहाँ बनाया था? ठीक है, प्रश्न थर्ड लिखिए, बया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? वेदांत आप राइट नहीं कर रहे हैं, वेदांत बया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? बया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखिए, ठंड क्यों बढ़ गई थी? ठंड क्यों बढ़
गई थी। ठंड क्यों बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखिए, ठंड क्यों बढ़ गई थी। ठंड क्यों बढ़ गई थी। लिखा ठंड क्यों बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन लिखिए, पिता ने, जल्दी राइट कीजिएगा, पिता ने छोटी बेटी को क्या समझाया। पिता ने छोटी बेटी को क्या समझाया। राइट किया, जिसने राइट किया हैंड रेस करेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले आराध्या गहलोत का हैंड रेस होता है, आराध्या ही सबसे पहले राइट करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं क्या। अर्पित ने भी राइट किया है, वेरी गुड। राशि आस्था ने भी किया है, वेरी गुड। फिर से क्वेश्चन बता रही हूँ बेटा, पिता ने छोटी बेटी को क्या समझाया। राइट किया सभी ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट कीजिए, कौन सी बेटी ने नंबर सिक्स लिखा, कौन सी बेटी ने बड़ी संख्या में बर्तन बनाए थे। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं बेटा, कौन सी बेटी ने बड़ी संख्या में बर्तन बनाए थे। राइट किया सभी ने, जिसने राइट किया हैंड रेस करके बताइए। वेरी गुड।
आस्था पूर्वी हैंडरेज नहीं हुआ आपका, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखिए, अंत में अकबर ने बीरबल के बारे में क्या कहा। फिर से बता रही हूँ क्वेश्चन, अंत में अकबर ने बीरबल के बारे में क्या कहा। बीरबल का सबसे पहले हैंडरेज हुआ है, वेरी गुड। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, अंत में अकबर ने बीरबल के बारे में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 8 राइट कीजिएगा, अकबर किसके साथ खाना खा रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 राइट किया, अकबर किसके साथ खाना खा रहा था। अकबर किसके साथ खाना खा रहा था। अगला क्वेश्चन लिखिए, पहली बार अकबर को बैंगन की सब्जी कैसी लगी। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं मैं, पहली बार अकबर को बैंगन की सब्जी कैसी लगी। मतलब जब पहली बार अकबर ने बैंगन की सब्जी खाई तो उन्हें बैंगन की सब्जी कैसी लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हवा में कौन झूम रहे हैं। हवा में कौन झूम रहे हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं मैं, हवा में कौन झूम रहे हैं। देखिए बेटा, आपको आज मैंने 10 क्वेश्चन दिए है ना, 10 क्वेश्चन सभी ने राइट किए, हैंड रेज करके बताइएगा। सभी ने 10 क्वेश्चन राइट किए, वेरी गुड। ये इशिका सूर्यवंशी क्लास लेट कर पढ़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इशिका सूर्यवंशी लेट कर क्लास ज्वाइन हो रही है, मतलब पढ़ाई भी लेटते हुए करते हैं क्यों इशिका। ठीक है बेटा, मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको क्या करना है, इन 10 क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको राइट करने अपनी कॉपी में, ठीक है, रफ कॉपी में राइट करना है और उन क्वेश्चन के आंसर आपको राइट करना है और उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करना है। कर पाएंगे?
कर पाएंगे ना, सभी स्टूडेंट कर पाएंगे। जिस नंबर से लिंक आती है आपको होमवर्क क्लास की, वही मेरा नंबर है। आपको क्या करना है, आपको इन 10 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं और इनके इसकी फोटो लेना है और मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अपने नाम के साथ अपना नाम भी राइट करना है साथ में, ऊपर हेडिंग में अपना नाम राइट कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम राइट कीजिएगा, क्लास राइट कीजिएगा और फिर सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा और उसका फोटो लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, आज आपका वर्क यही रहेगा। और अगर किसी स्टूडेंट के कोई सा क्वेश्चन छूट गया है तो मैं अभी आपको जो 10 क्वेश्चन लिखवाए हैं उन क्वेश्चंस का पीडीएफ, उन क्वेश्चन का फोटो खींच के मैं आपको सेंड कर दूं, ओके। अगर किसी स्टूडेंट का किसी कोई क्वेश्चन छूट गया है तो मैं आपको अभी ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहे तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। अर्पित धीमान, मिस सबको वो भेजना नहीं आता, फोटो भेजना नहीं आता। अच्छा, आपकी मम्मी या पापा की हेल्प ले लीजिएगा। मिस आपने वो जो माता जी का फोटो खींच के डाला वही आपका नंबर है? जिस नंबर से लिंक आई थी ना बेटा, वही मेरा नंबर है, ठीक है। अभी जिस नंबर से हमारे चल रहा है ना, यही नंबर, ठीक है अर्पित। जिस नंबर से लिंक आई है वही मेरा नंबर है, ठीक है अर्पित। यस यस। और कोई? हाँ हलचल, मैम बोलिए बेटा। मेरे को भी नहीं आता इसलिए मैं मेरी दीदी बड़ी दीदी से मैं करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकते हैं बेटा, बड़ी दीदी भैया जो भी हो आप उनसे करवा लीजिए, ओके। और कोई स्टूडेंट जो कुछ पूछना चाहे हैंड रेज करेंगे। हाँ बेटा बोलिए। बोल मिस। हाँ जी मिस, आगे बोल। हाँ बोलो। अभी अभी क्वेश्चन की लिस्ट भेजना है, अभी क्वेश्चन की लिस्ट भेजना है। हाँ बेटा, अभी आपको राइट करना है और सेंड करना है, ठीक है। ओके। और आप सबसे पहले तो अपने नाम से क्लास लॉगिन कीजिए। आपका नाम जगदीश पवार बता रहा है आप। मैम इधर का क्वेश्चन इधर आंसर बनाने हैं। देखता मैम इधर के क्वेश्चन का आंसर इधर लिखना है। हाँ बेटा, रफ कॉपी में लिखना है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम अपनी क्लास लीव कर रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर लिखना है और जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करना है। देखते हैं किस किस के आंसर, कौन कौन अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो क्लास हम लीव करें। बाय बेटा, बाय।